क्रोध एक ऐसा श्राप है जो हमें कोई और नहीं देता, बल्कि हम खुद को देते हैं। 94.3 MyFM से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कारपेंटर था जो शाम होने के बाद अपनी दुकान को, जहां पर वो काम किया करता था कारपेंटरी का, उसे बंद कर कर जा रहा था। ताला लगा कर चला गया, लेकिन एक छोटा सा रास्ता था, दीवार के बीच में एक छोटी सी दरार थी। रात में उसकी दुकान में वहां से एक सांप घुस आया। सांप घुस तो आया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कहाँ जाना है। इधर से उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे भटक रहा था सांप उसकी दुकान में। सांप भूखा हो चुका था। भूखा होने के कारण थोड़ा सा नाराजगी में, थोड़ा सा गुस्से में था सांप, और इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढ ही रहा था। इतने में उस बढ़ई की दुकान की एक कुल्हाड़ी से इसे थोड़ी सी चोट लग गई। कुल्हाड़ी से चोट लगने के बाद सांप कुल्हाड़ी पे इतना नाराज हुआ, कि उसने अपने मुंह से लोहे की कुल्हाड़ी को, धारदार कुल्हाड़ी को काटने की कोशिश की। लेकिन अंजाम क्या होना था? एक सांप अपने मुंह से अगर एक धारदार कुल्हाड़ी को काटेगा, वही अंजाम हुआ जो होना था। सांप और ज्यादा जख्मी हो गया, उसका मुंह लहू लुहान हो गया, उससे खून आने लगा। इस वजह से सांप को और गुस्सा आया, और जैसे कि सांप की आदत होती कि अपने शिकार को अपने पूरे शरीर से जकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है, उस तरह से कस के उसने कुल्हाड़ी को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन उसका अंजाम फिर वही होना था जो हुआ। सांप को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि कुल्हाड़ी में खुद को बुरी तरह से लपेटने के बाद सांप बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा चोट लग गई और सांप ने अपनी जान गंवा दी। सुबह जब वो बढ़ई अपनी दुकान में वापस आया तो उसने देखा कि कुल्हाड़ी से लपटा हुआ एक मृत सांप वहां पड़ा है। कुछ खास समझ नहीं पाया बढ़ई, लेकिन हम और आप यहाँ बहुत कुछ समझ सकते हैं। सांप की मौत किसकी गलती से हुई? किसी और की गलती से नहीं। सांप को किसी और ने नहीं मारा, बल्कि सांप की जान ली खुद उसके गुस्से ने। क्या सांप के लिए जरूरी था कुल्हाड़ी की लगी ठोकर पर इतना गुस्से में रिएक्ट करना? ऐसे ही कई बार हमारे और आपके लिए भी जरूरी नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन, हर हालात या हर व्यक्ति को आपका उतना अटेंशन मिले जितना आप दे देते हैं। किसी की छोटी सी बात पर कभी कभी हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और समय बीतने के साथ हमें पता चलता है कि इस गुस्से से नुकसान उस व्यक्ति का नहीं हुआ है जिस पर आप गुस्सा कर रहे थे, या जिसे सबक सिखाना चाहते थे, या जिस पर आप नाराज थे, बल्कि इसका बुरा असर तो आप पर ही हुआ है। जब जब आप एक मिनट के लिए गुस्सा करते हैं ना, तो आप खुशी के 60 सेकेंड्स खो देते हैं। तो सोचिए, एक पल के लिए रुकिए, ठहरिए, और देखिए कि क्या इस सिचुएशन को, क्या इस व्यक्ति को आपकी अटेंशन की जरूरत है। क्या वो आपकी इतनी अटेंशन को डिजर्व भी करता है जिस पर आप इतना ध्यान दे रहे हैं और नाराज होकर खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो इस गुस्से से जितनी दूरी हो सके बनाइए। जब भी गुस्सा आए, ठहरिए, एक पल के लिए ठहरिए, सोचिए, अगर जरूरी हो तभी आगे बढ़िए। 94.3 MyFM से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।